हम सभी दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर एलोरा की गुफाएं देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, हैप्पी टाइम है और इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि एलोरा की गुफाएं जैसा कुछ भी नहीं। हसरत थी, बचपन से हसरत थी एलोरा की गुफाएं देखनी है। कहते थे एलोरा की गुफाएं देखेंगे देखेंगे, अब मौका आया, देखने को मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है वेनू? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या आप भी देख लो हमारे साथ एलोरा की गुफाएं। क्या क्या देखा आप लोगों ने? शिव मंदिर देखा है, यहाँ की प्रतिमाएं देखी हैं, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, है अलग ही है नजारा इनका देखने का, बहुत खूबसूरत है। हाथी है, बड़े बड़े मूर्तियां हैं और ऐसी मूर्तियां जो छत पर उकेरी गई है, बड़ी बड़ी चट्टानों पर, पत्थर पर, छत पर मूर्तियां उकेरना, वो भी उस समय जबकि कारीगर ऐसे थे जिनके पास सिर्फ हथौड़ा और चैनी था, कोई ऐसा औजार नहीं था, बिना औजारों के सिर्फ छेनी और हथौड़े से इतनी ज्यादा नायाब मूर्तियां उकेरना, वो भी एक नहीं हजारों मूर्तियां यहाँ पर, कैसी तो उन्होंने बनाई होगी, कितना समय लगा होगा, कोई रोशनी नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, ऐसी जगह पर जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ है, ना खाना ना पानी, और ऐसे कारीगरों ने मूर्तियां उकेरी, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अचरज है, ये भी एक अजूबा है, कहते हैं ना सात अजूबे इस दुनिया में, मैं तो कहती हूँ आठवां अजूबा ये है, एलोरा की गुफाएं आठवां अजूबा है। ऐसा अजूबा मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने दुनिया के सातों अजूबे देख रखे हैं, मैंने सातों अजूबे देख रखे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये आठवां अजूबा है।